यार दो फिल्में रिलीज हुई, धर्मा प्रोडक्शन की जिगरा और टी सीरीज की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, और बस दोनों में युद्ध छिड़ गया। दिव्या घोसला कुमार ने जिगरा के टिकट्स ना बिकने की बात कही और कहा कि जिगरा की कहानी भी टी सीरीज की सावी से चुराई गई है। दिव्या दीदी ने कहा कि आप आलिया दीदी को बेमतलब का सपोर्ट करते हो, उन्हें हर टाइम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो और नेपोटिज्म का भी आरोप तक लगा दिया। अब भाई जो है नेपोटिज्म है ना, भाई भतीजावाद, इसमें और कोई नहीं बल्कि टी सीरीज सबसे आगे है। देखो कहानी समझाती हूँ तुम्हें। धर्मा प्रोडक्शन वो कंपनी है जिसने इसी साल जिगरा, बैड न्यूज देवरा और किल जैसी मूवीज हमें दी है। इसमें एक में आलिया है, दूसरी में जानवी और तीसरी में नया नाम वाला कौन, लक्ष्य लालवानी यार। तो कहने वाले धर्मा पर नेपोटिज्म का आरोप लगा सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि टी सीरीज ने तो श्रीकांत खेल खेल में विक्की विद्या का वो वाला वीडियो दी है, और ये भी कह सकते हैं कि भाई देखो कोई नेपोटिज्म नहीं किया। लेकिन तुम्हें पता है पूरी कहानी ये है ही नहीं, आज मैं आपको पूरी कहानी बताने वाली हूँ। आज मैं उस मुद्दे के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में जानते तो सब है लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता, और कोई करता है तो उसे चुप करवा दिया जाता है। मैं बात कर रही हूँ टी सीरीज और उसके नेपोटिज्म गेम के बारे में। यार बहुत हो चुकी करण जौहर और नेपोटिज्म की बातें, अब बारी है टी सीरीज को एक्सपोज करने की। आज के इस वीडियो में यही तुम्हें बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो यही देख लो कि ये सावी जैसी मूवीज टी सीरीज ने इसी साल बनाई है और उसमें था कौन, भूषण कुमार की बीवी। अब भैया बीवी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। दिव्या दीदी ने करण जौहर को तो एक्सपोज कर दिया है कि सीरियस एलिगेशन लगा दिए उन पर कि वो कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं, जिगरा फ्लॉप हो रही है, लेकिन उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया कि भाई वो कितना नेपोटिज्म फैला रही है। यार देखो टी सीरीज बॉलीवुड की एक ऐसा एम्पायर बन चुका है जिसे भूषण कुमार और उसकी वाइफ दिव्या घोसला कुमार चलाते हैं। इनके पास बहुत पैसे हैं, तभी तो जब भी दीदी का कोई भी प्रोजेक्ट आता है वो हमेशा टी सीरीज के बैनर के तले ही बना होता है। इनफैक्ट ये मैडम अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर और एक्टर और सिंगर और न जाने क्या क्या मानती है, जस्ट बिकॉज ये टी सीरीज की मालकिन है। I started learning direction, I learned cinematography, editing, और बहुत मैंने direction की, music videos, जो films direct की। बस ये भूल जाती है कि सावी जैसी मूवीज इसी साल इन्होंने फ्लॉप दी है, तभी तो सावी फ्लॉप हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। हर कोई जानता है कि उन्हें मौका मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भूषण कुमार की बीवी है। अब भूषण कुमार भैया अपनी बीवी के लिए इतना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे यार। दिव्या घोसला कुमार ने आज तक जितने भी गाने किए हैं, जितनी भी मूवीज में थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की कोशिश की है, वो सब के सब टी सीरीज बैनर के तले बने हैं। और फिर ये लोग आरोप लगा देते हैं कि करण जौहर नेपोटिज्म फैला रहा है। याद है सोनू निगम ने कहा था कि टी सीरीज ने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को साइडलाइन कर दिया है और वो सिर्फ अपने करीबी लोगों को चमकाने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि नेपोटिज्म सिर्फ वहां नहीं है, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत नेपोटिज्म है। उन्होंने खुलकर एक पहले वीडियो बनाया और उसके बाद एक और वीडियो कहा, भूषण कुमार के बारे में बड़ी सारी बातें कही, यहां तक कि ये भी कह दिया कि भूषण कुमार ने इस बार गलत आदमी से पंगा लिया है। भूषण कुमार तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये मामला और भी ज्यादा बढ़ गया था इनफैक्ट जब अदनान सामी, अलीशा चिनॉय और मृणाल ठाकुर जैसे लोगों ने इस बारे में खुलकर सोनू निगम को सपोर्ट किया था और कहा था कि ये सही कह रहे हैं। हाँ वो बात अलग है कि जो लोग टी सीरीज के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की, इनफैक्ट टी सीरीज को सपोर्ट भी किया। अब अगर टी सीरीज के बारे में कोई इतनी बड़ी बात कह दे तो दिव्या दीदी कैसे चुप रह सकती है यार। उन्होंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में बहुत सारी बातें कही, भर भर कर गुस्सा निकाला और ये तक कहा सोनू निगम के बारे में कि जब आप हमारे साथ काम कर रहे थे तब आपको ये सारी बातें याद नहीं आई। आप भी जरा इस वीडियो को देख सकते हो। मैं पूछना चाहती हूँ सोनू निगम जी, दिव्या दीदी को ये चलन पुराने टाइम से होती आ रही है यार। उस टाइम पर भी बहुत बुरे तरीके से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। इनफैक्ट अभी जिगरा के टाइम पर ही देख लो यार किस तरीके से उन्होंने आलिया भट्ट को नीचा दिखाने के लिए पोस्ट डाला। भाई ये तो क्लियर हो गया कि टी सीरीज म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपनी पकड़ बनाए हैं और वो डिसाइड करती है कि इंडस्ट्री में कौन टिकेगा और कौन नहीं टिकेगा। और ये सिर्फ सोनू निगम तक नहीं है, देखो जितने भी नए सिंगर्स और म्यूजिक कंपोजर्स आ रहे हैं उनमें जो लोग टी सीरीज के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ तो सब कुछ अच्छा है। इनफैक्ट अरिजीत सिंह का एक एग्जाम्पल ले लो तुम, जब तक वो टी सीरीज के साथ काम कर रहे थे सब कुछ अच्छा था, एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने टी सीरीज से थोड़ी दूरी बना ली और उसके बाद लोगों ने उनके गाने उनसे छीन कर किसी और के कहने पर किसी और तक को दे दिए थे। अरिजीत सिंह के साथ ऐसा भी हुआ था, वो बात अलग है कि आज वो अपने टैलेंट की वजह से बहुत फेम हासिल कर रहे हैं। इनफैक्ट सोनू निगम के साथ ही नहीं अभय देओल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी एक मूवी रिलीज होने वाली थी, आई थिंक मूवी का नाम शंघाई था, और उस टाइम पर टी सीरीज ने उनके गानों को प्रमोट तक नहीं किया था। उन्होंने तो बाकायदा एक अवार्ड फंक्शन में आकर ये कहा था कि मैं एक म्यूजिक कंपनी से पिट कर आ रहा हूँ, और जब उनसे पूछा गया कि किससे तो उन्होंने साफ साफ नाम लिया कि मैं टी सीरीज से पिट कर आ रहा हूँ। तो मैं तो मार खा के आ गया, तो मैं तो मार खा के आ गया।
टी सीरीज। अब तुमने खुद ही देख लिया कि अभय देओल ने कितने साफ साफ शब्दों में टी सीरीज को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया था। अब तुम खुद ही देख लो यार, टी सीरीज जब ऐसे एक्टर्स के साथ ऐसा कर सकता है तो सिंगर्स के साथ तो ये चीज होना बहुत लाजमी सी है यार। टी सीरीज के मालिक सिर्फ अपनी बीवी को सपोर्ट करते हैं यार, उसे एक्टर बनाने में लगे हैं, उसे सिंगर बनाने में लगे हैं। जो लोग सच में टैलेंटेड हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता। और फिर कहा जाता है कि नेपोटिज्म तो करण जौहर फैला रहे हैं। देखो भैया, नेपोटिज्म सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक सिस्टम है। टी सीरीज जैसे प्रोडक्शन हाउस, उनके पास पैसा है, पावर है, वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, खुद वो ये सिस्टम है। तभी तो यार टी सीरीज जैसा बड़ा ब्रांड सिर्फ अपने फेवरेट्स को प्रमोट कर रहा है और उन्हें ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो टी सीरीज का काला सच तुम्हें कैसा लगा बताना जरूर। और क्या तुम भी टी सीरीज के बारे में ऐसा ही कुछ सोचते हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।